दादा थोड़ा तेज चलाइए ना, मुझे मेरी बेटी तक पहुंचना है, पहुंचना बहुत जरूरी है, आप तेज चलाइए जरा गाड़ी। इससे तेज क्या चलाऊं मैडम, तेज तो चला रहा हूं। आप अच्छा तो ठीक है, आप उधर जाइए, मैं आप पीछे बैठ जाइए, मैं चला लेती हूँ तेज। ठीक है मैं चलाता हूँ। मैम वो चली गई है। वो चली गई? इसे कैसे चली गई? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी प्रीता। एक मिनट सरला अरोरा, क्या हुआ आज कुछ बोलोगी नहीं? अरे गला तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नियत तो पहले से खराब थी, आज आंखें नहीं दिखाओगी मुझे? वैसे तो तुम्हारी जुबान कैची की तरह चलती है और आंखों से आंख बरसाती हो। अरे कहाँ गए तुम्हारे वो तेवर सरला अरोरा? मजबूर हो, मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है तुम में? वाह कमाल की सीख दी है तुमने अपनी बेटी को, ऊंचे सपने देखो और अपनी औकात भूल जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे झूठी ठहराने से तुम सच्ची नहीं हो जाती हो, और तुम दोनों के कहने पर मैं शर्लिन को प्रेग्नेंट तो नहीं बता सकती हूँ। अरे करण तुमने गलत टर्न ले लिया, यहाँ से घर नहीं आता है। जानता हूँ इस रास्ते से तुम्हारा घर नहीं आता, लेकिन किसी और का घर आता है। किसी और का घर? तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के घर। क्या? तुम गाड़ी रोको, तुम साइड पे गाड़ी रोको। क्यों 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 पूछ रहे मुझे? इतना सब कुछ हो गया उसके बाद मुझसे पूछ रहे क्यों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के? तुम मुझे बताओ क्यों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के? क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ। इस मुद्दे को लेकर ना मेरा दिलो दिमाग एक ही रास्ते पर है और मैं अपने दिल की बात नहीं डाल सकता। दैट्स इट। तुम्हारा दिल भरा नहीं अभी तक? शर्लिन पे शक करने की वजह से ही हम इस जगह पे आ गए हैं जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक लोहे की दीवार है, उस पर जितना मर्जी सर मार लो चोट हमें ही लगेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितनी बेइज्जती कराऊं मैं अपनी, एक झूठी मतलबी लड़की साबित हो गई हूँ और तुम कह रहे हो अभी भी मिशन जारी है? नहीं बहुत हो गया, छोड़ो अभी जिद। ये जो भी तुम्हें इंट्यूशन हो रही है ना मैं इसे सही मानती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे मिशन का हिस्सा हूँ। बस एक आखिरी बार दोस्त, उसके बाद आई प्रॉमिस कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरा साथ दो, जस्ट लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मिशन आज ही कंप्लीट हो जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। मिशन कंप्लीट हो जाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रीता डॉक्टर सीमा अपने घर पर हमें सारा सच बता देंगे। आई एम श्योर हमारे घर पे कोई तो ऐसा था, कोई ऐसी चीज से जिससे वो बहुत डर गई थी और उन्होंने हमें सच नहीं बताया। आई एम श्योर हम उनके घर जाएंगे, वो सारा सच हमें बता देंगे। बहुत अच्छा होगा कि सारा सच बता देंगे, पर उससे होगा क्या? कोई है हमारे साथ सच सुनने के लिए? उसके बाद भी हमें सबको प्रूफ करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? क्योंकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा आपके बाहर। यस मैं सारा सच सबके सामने ला कर रहूंगा, कोई रिस्क नहीं लूंगा, चाहे पृथ्वी भी सामने आ जाए। तब भी मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कोई लड़ाई नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ मिशन पर है कि वो कंप्लीट हो जाए। पृथ्वी जी कहां से आ जाएंगे वहां पर? क्यों, हम शर्लिन का सच पता करने गए थे हॉस्पिटल, वो वहां पे आ गया था ना? वो मुझसे मिलने आए थे हॉस्पिटल। वो हमारे घर भी आ गया था जब हमने रंगे हाथों संजू को पकड़ा था। अरे वो तो मुझे मंदिर लेकर जाने के लिए आए थे। Yes, दोनों वक्त वो तुम्हारे लिए आया था। क्या पता आज भी उसे लगे प्रीता बहुत सैड है, उसे कितना बुरा भला सुनाया गया और तुम्हें ढूंढता हूँ वो डॉक्टर के घर तक आ जाए। I mean, it is possible, right? चुप करो कर, enough is enough. हर बार तुम हर चीज में पृथ्वी जी को घसीट लाते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं। और कभी कभी तुम भी मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा,
क्योंकि दैट्स नॉट माई फोकस, क्योंकि मेरा पूरा फोकस आज इस बात पे है कि तुम्हारे नाम पे जो दाग लगाना बस वो हट जाए। किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी इज्जत वापस लौटानी है। इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ एक बार, सिर्फ एक बार डॉक्टर सीमा से बात कर लूँ। प्रीता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई मीन वो बातें मेरे दिल को कितनी चुभी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही हो। प्लीज जस्ट वंस प्लीज कर, अगर बात मेरी होती तो मैं हर दर्द हर इल्जाम सह लेती, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को तकलीफ हो, उन्हें परेशानी हो। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, बहुत बहुत हो गया। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बेकसूर साबित कर दूंगा। ये सारे जो इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगे ना, ये सब हटा दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया मेरे परिवार के लिए किया, मेरे भाई के लिए किया, ताकि उसकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। इसलिए दोस्ती का फर्ज तो मैं निभा कर रहूंगा। जस्ट गिव मी अ चांस प्लीज। आई डोंट नो, मुझे लगता है ये ठीक करेंगे कि I'm not sure. प्रीता, पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने, इवन अपने परिवार के सामने मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि प्रीता अरोड़ा कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है प्रीता पर। औकात की बात बिल्कुल मत कीजिएगा। औकात ना पैसे से बनती है, ना जात से और ना ही हैसियत से। औकात सिर्फ शराफत से बनती है। आवाज नीचे। ये मत भूलो, ये मेरा घर है, तुम्हारा वो मिडिल क्लास मोहल्ला नहीं। प्लीज ये मत कहना कि तुम इस घर में मेहमान हो और मेहमान भगवान की तरह होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी कहा ना तुमने तो हंस हंस के मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारी बेटी हो गए हो बिन बुलाए मेहमान और हाथ मिलाए चोर। तुम्हारी शय की वजह से तुम्हारी बेटी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे ऋषभ और शैलिन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे। मेरी औकात है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आपकी बातों का जवाब दे सकूं, क्योंकि शराफत है हम में। आपके मुंह से भगवान का नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो लालच और पैसों को लेकर जो गुरूर है ना, वो कूट कूट के भरा है। और वैसे भी आप अच्छाई कैसे देख सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय आंसुओं के। सिर्फ आंसू ही रहेंगे आपके पास। खबरदार, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी पर एक भी उंगली उठाने के बाद 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी माँ अभी जिंदा है। आप मेरी बेटी पर उंगली उठा रही हैं, मेरी बेटी पर। तरस आता है मुझे आप जैसे लोग, तरस आता है मुझे आप पर जो आप मेरी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाए। अरे किस्मत वाले हैं वो, किस्मत वाले इस घर के बाकी लोग जो मेरी बेटी को समझते हैं, उसकी अच्छाई उन्हें दिखाई देती है, लेकिन आपको उसकी अच्छाई कभी दिखाई ही नहीं दी। एक बार अपना गुरूर एक तरफ करके रखिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रीता में कितनी अच्छाई है। और करीना जी, आप में इतना भी जज्बा नहीं कि आप मेरी बेटी की इतनी सी अच्छाई भी देख सके। सरला अरोरा, सरला जी आप और यहाँ चुप। हाँ, आप दोनों बीच में नहीं आएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये औरत प्रवचन दे रही है, मुझे इसके प्रवचन सुनने हैं। करीना जी, बस भाभी, पता नहीं दोबारा कभी ऐसा मौका मिले या ना मिले। बोलिए सरला अरोरा, बोलिए। करीना तुम चुप रहोगी प्लीज? क्यों चुप हो जाऊं भाई, क्यों चुप हो जाऊं? ये औरत बकवास करती जा रही है और मैं चुपचाप इसकी बकवास सुनती रहूं, क्यों? क्योंकि करीना जी, आपको तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको कभी मेरी कोई बात समझ में आएगी भी कि नहीं। जानते हो ना कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे आपके और शैलिन के बीच में कोई भी दरार है। मैं जानता हूँ ये बात, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं सोचता ऐसा। मैं सोचती हूँ ऋषभ,
क्योंकि मुझे दिखाई देता है ऋषभ, इस घर में किसी को नजर नहीं आता, पर मुझे अच्छी तरह से नजर आता है। इसकी बेटी हर बार बहाने ढूंढती रहती है इस घर में आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता करीना जी कि मैं आपकी बातों का क्या मतलब निकालूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी इन्हीं बातों ने मेरी बेटी के दिल पर पता नहीं क्या असर किया होगा, कैसा महसूस किया होगा उस पर और उसके दिल में पता नहीं क्या गुजरी होगी। क्या गुजरी होगी मतलब? अरे तुम्हारी बेटी के दिल में चोर है। खबरदार खबरदार, अगर आपने पिता के बारे में एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो जो कुछ भी पिता ने किया ना ठीक किया, जो कोई और नहीं कर पाया वो उसने किया। नाज है मुझे अपनी बेटी पर। शर्लिन ऋषभ के लिए सही लड़की नहीं है। तो क्या गलत किया प्रीता ने? मैं कहती हूं प्रीता ऐसा मानती है, इसीलिए प्रीता ने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल ठीक है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे है शर्लिन को गलत कहने की? मेरी हिम्मत है क्योंकि मैं जानती हूं, और क्यों ना कहूं, मुझे मेरी बेटी के शक पर भी यकीन है मुझे प्रीता पर, यकीन है उसके उस हर काम पर जो उसने इस घर को बचाने के लिए किया। यकीन है मुझे कि उसने जो कुछ भी किया होगा ना ऋषभ की जिंदगी बचाने के लिए वो ठीक होगा। यकीन है मुझे कि इस घर के लिए वो जान भी दे सकती है। यकीन है मुझे करण और उसकी दोस्ती पर। चुप, बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया, अब और नहीं होगा। सरला जी आप कैसी बातें कर रही है? यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए हमें प्लीज, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। चाची जी आप माफी मत मांगिए, इस घर में पहले भी ऐसा कई बार हो चुका, लेकिन फिर भी मैंने इजाजत दी प्रीता को वो इस घर में आए, क्योंकि प्रीता आप सबसे बहुत प्यार करती है, आप लोगों का बहुत मान करती है, बहुत इज्जत देती है वो आपको, माँ का दर्जा देती है। लेकिन अब और नहीं, बस अब वो यहाँ नहीं आएगी, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं सका, मैं मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए आज के बाद प्रीता इस घर में नहीं आएगी, और आप दादी जी के लिए दूसरी फिजियोथेरेपिस्ट रख लीजिए। मेरी बेटी इस घर में अब कभी नहीं आएगी, मेरी बेटी अब इस घर में कभी नहीं आएगी, मेरी बेटी अब इस घर में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। रुक जाओ, यहाँ पर रुकने के लिए और रहेगा क्या करीना बुआ? अरे पैकिंग करने में किसी को इतना टाइम लगता है क्या? अबे वो डॉक्टर जल्दी कर। शरद मैं जाके चेक करती हूँ, जस्ट डोंट वरी। डोंट वरी, अरे कैसे ना करूं वरी, ये जो डर है ये दिमाग की तरह मेरे दिमाग को चाट चाट के मेरे भेजे की भुर्जी बना दी है। अरे यार सुपारी तू कितनी टेंशन लेता है, रिलैक्स चिल, संजू है तेरे साथ, सब झमेला खत्म हो गया समझ। बोलने और सुनने में कितना इजी लगता है नहीं? आई विश ये सब भी उतना इजी होता। अरे सब उतना इजी है, चल अब जल्दी अपन का पैसा निकाल। कैसा पैसा? क्या कैसा पैसा, मेरा पैसा चार गुना, याद नहीं है उंगलियां दिखा रहा तू, चार गुना करूंगा हा? और ये क्या क्या ऐसे क्या दिख रहा है, मैं तुझे कोई भूत प्रेतों की कहानियां सुना रहा हूँ क्या, जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? पैसा निकाल मेरा। अरे पैसा तो तुझे देना चाहिए मुझे, पूछ क्यों? क्यों? लूथरा से किसने बचाया तुझे? मैंने। पुलिस से किसने बचाया तुझे? मैंने, है ना? उस हिसाब से पेमेंट तुझे करनी चाहिए मुझे। चल निकाल निकाल जल्दी निकाल। अबे तू एड़ा है क्या हा? क्या बोलता रहता है वो, गधे खा के, क्या तू गधे खा के पैदा हुआ था क्या? चल मैं तुझे थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ, तूने मुझे सुपारी दी, मैंने तेरा काम किया, इसके लिए तुझे मुझे उसका पैसा देना है, और ये तू बचाने का क्रेडिट मत लेना, तूने मुझे बचाया नहीं, तूने मुझे फंसाया, वरना उस लूथरा के लौंडों की औकात नहीं कि संजू को हाथ लगा सके, तेरी वजह से साले वो घुसन मार रहे थे मुझे। मेरी वजह से? हाँ। Are you mad? कुछ भी बोल रहे है। देख पृथ्वी तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे मेरा दिमाग खराब करने की बात तो दूर है, छह की छह गोलियां जब तेरे दिमाग में जाएगी ना तो तेरा दिमाग खराब ही नहीं होगा, क्योंकि ना तू रहेगा और ना तेरा दिमाग, समझा? पृथ्वी तू अपनी औकात के बाहर जा रहा है, अगर मेरा दिमाग औकात
तू मुझे औकात सिखाएगा दो टके के भाड़े के गुंडे? पृथ्वी मल्होत्रा को तू खाते नहीं सुअर खा के पैदा हुआ था, क्योंकि तू जानता नहीं है तू किसके साथ पंगा ले रहा है। पृथ्वी के हाथ मौत जाता तू। हाँ तेरी तो चुप। साले क्या बोल रहा है? दो कौड़ी का गुंडा बोल रहा है ना तू मुझे? साले तेरी औकात तो दो कौड़ी की भी नहीं है। तू अपनी जुबान का आदमी नहीं है, तू तो एक कौड़ी का भी इंसान नहीं है। बोला अब क्या हो गया? संजू मेरे दोस्त मेरे भाई, ऐसी बुरा क्यों मान रहा है तू? दोस्त आपस में बुरा नहीं मानते। दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना। नहीं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस। मासी चलो ना, मासी आ जाए। मासी मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। मासी अब चलो, मासी मासी प्लीज, मासी मासी प्लीज, मासी 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 क्या मासी मासी कर रही है? जब से जो चिल्लाई जा रही है, रोई जा रही है, ज्यादा आवाज थी ना, इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। समझी? चुप कर ऐसे। बोला क्या हुआ? तेवर बदल गए तेरे? आराम से बात करने लग गया तू? हाँ बोल, अब क्यों नहीं बोलता? जल्दी कर। कहाँ गई तेरी बक 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 बक? हाँ मेरे और पृथ्वी के बीच में दखल मत दे, समझी? वरना मेरा दिमाग घूम गया ना तो। क्यों करता है ऐसे? इतनी प्यारी शक्ल है तेरी, हा? क्यों करता है तू ऐसे? अरे दोस्त बोला है मैंने तुझे, पलटूंगा नहीं। लेकिन यार तू मुझे ऐसे गुस्सा मत दिलाया कर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ताली दे। उसकी मत किया करे ऐसे, बहुत मुश्किल हो जाता है पता है। फिर मैं देखता नहीं हूँ दोस्त दुश्मन कुछ नहीं। मैं तो दो दो मिनट में बातें बदलता है। अरे कितना बड़ा पलटू है ये स्टूपिड कहीं का। सलांडी एक मेरी बात सुनिए, सलांडी मेरी बात सुनिए, सलांडी मेरे लिए रुक जाइए प्लीज। सलांडी आई एम रियली सॉरी, मुझे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm so sorry, मैं अपने आप से बहुत गुस्से में हूँ सर लांडी। मैं लेकर आया था यहाँ पर समझा बुझाकर प्रीता जी को, जब करण का वो ड्रग केस में वो जेल में गया था। मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त भी करीना बुआ ने ऐसा ही किया था। उस वक्त भी उन्होंने दिल दुखाने वाली बातें कही थी, उनका अपमान किया था। लेकिन आप लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाकर फिर भी आपने जो भी हुआ आप उसको भूल गई थी। आज तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनको रोकूं, मैं उनको कहूं कि आप गलती करें, लेकिन मैं नहीं कर पाया। सलांटी मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैं खुद नहीं समझता, मुझे माफ कर दीजिए। और तुम माफी क्यों मांग रहे? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान। ऐसा हो जाता है, इंसान कभी कभी दोराहे पर खड़ा हो जाता है और वो फैसला नहीं ले पाता कि क्या सही है किसका साथ। तुमने तो हमेशा मेरी प्रीता का साथ ही दी, जब भी मुश्किल में पड़ी है, जब भी सृष्टि जेल में भी गई थी, तब भी तुम ही आगे बढ़कर आए थे और हमारी मदद की। मेरी बच्चियां जब से मुंबई आई है ना, तुमने सबसे आगे बढ़कर उनकी मदद की। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में प्रीता के लिए कितनी इज्जत है, लेकिन तुम जैसा नहीं सोचते तुम्हारे घर के सब लोग। करीना जी प्रीता को लेकर ऐसा नहीं सोचती, तो क्या करूं? तुम बताओ तो क्या करूं? मैं उन्हें समझा भी नहीं सकती, इतनी बार मैंने उन्हें समझाया कि आप ऐसा मत सोचिए, तो उन्हें ही सब बोलने दो। बहुत अच्छी है प्रीता, सच में बहुत अच्छी बच्ची है, मन की सच्ची है और लोगों के लिए कितना कुछ करती है। जिन लोगों को प्यार करती है, जिनकी इज्जत करती है, उनके लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देती है। तो इतने सारे इल्जाम चुपचाप सुन लो, कैसे सुन लो, चाहे वो इंसान इस परिवार का ही क्यों ना हो, कैसे सहन कर सकती हूँ मैं? तुम बताओ कैसे सहन कर सकती हूँ अपनी बेटी के खिलाफ इतने इल्जाम? नहीं सर आंटी, मैं आपकी पूरी तकलीफ समझ रहा हूँ, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। यकीन मानिएगा जो हो रहा है मुझे उस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे एक मौका और दीजिए, आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। प्रीता जी को आप यहाँ आने से मत रोकिए प्लीज। अगर ऐसा हुआ ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपने आप को माफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं बेटा।
और प्रीता, प्रीता भी इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि प्रीता के आने से पहले भी आप लोग हंसी खुशी रहते थे, और प्रीता के बाद भी सच मानिए मैं मन से दुआ करूंगी कि आप लोग सब खुश रहो, लेकिन लेकिन आप लोगों को आदत पड़ जाएगी उसके बिना। नहीं आदत पड़ेगी सरला जी, बिल्कुल नहीं आदत पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ ना, वो खालीपन, वो मेरे कहने का मतलब है, जो जो मेरी गलती का बोझ होगा वो मैं कैसे सहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, कभी कुछ नहीं होगा। मैं मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों से मैं अपना फैसला बदल दूंगी? नहीं बदलूंगी मैं फैसला, नहीं बदलना चाहती मैं कोई भी फैसला। और क्यों बदलूं? देखा नहीं आपके अंदर करीना जी ने कितने इल्जाम लगाए? उनके हिसाब से तो प्रीता ने आपकी और शरण की सगाई तोड़ दी। आपको क्या लगता है वो बाहर जाएगी तो समाज में लोग उस पर उंगली नहीं उठाएंगे, उस पर कीचड़ नहीं उछलेगा? वो कैसे सहन करेगी सब कुछ? और क्यों सहन करे जब उसकी कोई गलती नहीं है? एक माँ होने के नाते मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, एक दोस्त होने के नाते आप उसका दर्द नहीं समझ सकते। तो एक दोस्त होने के नाते आप यही समझ लीजिए कि उसके लिए यही सबसे ठीक है कि वो इस घर में ना है। नहीं नहीं, बस बस बेटा, इससे ज्यादा मैं अपनी बच्ची का अपमान नहीं सह सकती। और मैं जानती हूँ आप समझदार हो, आप समझ सकते हो जो मैं कर रही हूँ उसके लिए वो ठीक है। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, हमेशा खुश रहो बस मन से यही दुआ करती हूँ। प्रीता को मना किया है इस घर में आने से, आपको मना नहीं किया।